दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पूजा विधि है, क्या महत्व है, यह सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चतुर्थी व्रत रखा जाता है। चतुर्थी तिथि का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हर महीने दो बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है, कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार से दुख और संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और विधि विधान से गौरी पुत्र गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और शुभता के प्रतीक हैं। ये भक्तों के लिए विघ्नहर्ता भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने एवं व्रत करने से ज्ञान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानें एकदन संकष्टी चतुर्थी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की शुरुआत 26 मई को सुबह 6:06 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 27 मई को सुबह 4:03 पर होगा। ऐसे में एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 26 मई को मनाया जाएगा और चंद्रोदय का समय 9:31 रात्रि के समय है। आइए जाने संकष्टी चतुर्थी पे किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें एवं गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लें। गणेश जी की मूर्ति को एक लकड़ी की चौकी पर एक स्वच्छ लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उनको स्थापित करें, उनका जलाभिषेक करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ वस्त्र, कुमकुम, धूप दीप, लाल फूल या पीला फूल, अक्षत, पान सुपारी आदि अर्पित करें एवं मोदक भोग लगाएं। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा कहें एवं आरती करें। व्रत में भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद से अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। गणेश जी का मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए, यदि संभव हो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमे तन्नो दति प्रचोदयात्। ओम महाकाणकाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमे तन्नो दति प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमे तन्नो दति प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभम निर्विद कुरु मे देव सर्वकार सर्वदा। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि मोदक, दूर्वा, बूंदी के लड्डू और सिंदूर चढ़ाने। ऐसा करने से गजानन की विशेष कृपा होती है। घर में सुख समृद्धि एवं बुद्धि एकाग्रता का आशीर्वाद मिलता है। आइए जाने संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। यह दिन गणेश जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। जो साधक सच्ची भक्ति के साथ, सच्चे मन के साथ यह व्रत को करता है, विघ्नहर्ता गणेश जी उसके सभी संकटों को दूर करने के साथ साथ उसको सुख समृद्धि, धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।